गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टार एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों अब हम आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का। हम जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, क्या करें दोस्तों, कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ओनली फॉर दोस्तों 1499 कोर्स हम पूरा लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें कि आपको कोर्स करना है या नहीं करना है, इसके सुझाव जरूर दीजिए। और दोस्तों पीडीएफ फाइल, व्हाट्सएप स्टेटस, आप हमारे देखना चाहते हैं कि वीडियो कब आने वाला है, क्लास कब आने वाली, तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए कि सर मैंने आपके नंबर सेव कर लीजिए, आप भी मेरे नंबर सेव कर लीजिए। दोस्तों डिफेंस से संबंधित हर जानकारी आपको मिलेगी। और हमारा जो 1944 में जो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, इसका भी सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के 13 क्वेश्चंस। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी गई है? दोस्तों अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक आपका राइट आंसर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? दोस्तों पंच जो योजना है ये रूस से ली गई। कहाँ से ली गई दोस्तों? रूस से ली गई है। ये 1951 से शुरू कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीनी यात्री हैंसान किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? दोस्तों चीन का था हैंसान। दोस्तों इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। दोस्तों मयो कॉलेज की बात करूं जो अजमेर के अंदर है। कहाँ? अजमेर आपका जो अजमेर है, अजमेर, और ये आपका राजस्थान के। नालंदा है जो बिहार के अंदर। नालंदा कहाँ है? बिहार के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो आपका तक्षशिला है वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर, कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा रक्त, देखिए कौन सा रक्त सर्वदाता कहलाता है? क्या कहलाता है? सर्वदाता कहलाता है। इसका राइट आंसर है सबसे ज़्यादा ओ है, वो सर्वदाता कहलाता है। दोस्तों 1499 में पूरा कोर्स हम, हमारी टीम आपको पूरा कोर्स जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं। इसके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, हमें व्हाट्सएप से भी फॉलो कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? राइट आंसर आपका 206 हड्डियाँ होती। कितनी होती? 206 हड्डियाँ होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? देखिए दोस्तों सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? 016 का राइट आंसर, विटामिन से डी आपका राइट आंसर। क्या है? विटामिन से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से काटने से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताइए। राइट आंसर इज मलेरिया। क्या है? मलेरिया आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, टेलीफोन, दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर इज अलेक्जेंडर ग्राम बेल। क्या है? अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा किया गया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों प्रकाश की गति के बारे में पूछा गया 9 नंबर प्रश्न, और 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, यस आपका राइट आंसर यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 3 लाख। क्या है? 3 लाख मीटर किलोमीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की गति। देखिए पृथ्वी सूर्य के चक्र लगाती है। पृथ्वी क्या लगाती है? सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। ये सबसे पहले किसने बताया था? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कोपरनिकस। क्या है? कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय से। किससे है दोस्तों? खगोलीय से है। कमेंट्स जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, स्वर्ण मिंदर कहाँ स्थित है? जो स्वर्ण मिंदर, दोस्तों स्वर्ण मिंदर के बारे में पूछा गया, अमृतसर के अंदर है स्वर्ण मिंदर, यस दोस्तों ध्यान रखना। इसका राइट आंसर अमृतसर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर चार मीनार आपका हैदराबाद के अंदर है। क्या? हैदराबाद। अगर आपसे पूछे कुतुब मीनार,
दोस्तों कुतुब मीनार आपसे पूछे तो कुतुब मीनार कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। देखिए यहाँ अगला प्रश्न पूछ लिया गया है और इस प्रश्न का आप 14 नंबर करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इस प्रश्न का उत्तर यह है। नेक्स्ट देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर इज मुंबई के अंदर। कहाँ है, मुंबई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इंडिया गेट कहाँ पर है, दोस्तों इंडिया गेट कहाँ पर है, राइट आंसर इज नई दिल्ली आपका, सॉरी नई दिल्ली आपका राइट आंसर। इंडिया गेट का है, नई दिल्ली आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए ताजमहल, दोस्तों ताजमहल, दोस्तों ताजमहल उत्तर प्रदेश के अंदर है और उत्तर प्रदेश जो आगरा क्या है, उत्तर प्रदेश का आगरा के अंदर ताजमहल स्थित है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आजाद हिंद फौज की स्थापना, देखिए दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई, 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अंदर आजाद फौज की स्थापना की, आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र ने सिंगापुर के अंदर की थी, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों खेल दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों अगला क्वेश्चन से खेल दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर आपको ध्यान रखना है 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है, प्रश्न वही है थोड़ा चेंज किया, प्रश्न का लेवल है वो चेंज कर दिया गया है। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न और 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद, क्या है, मेजर ध्यानचंद आपका राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 22 नंबर प्रश्न, हमेशा 5 जून को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया, करो या मरो का नारा किसने दिया था, राइट आंसर इज महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट देखेंगे जय हिंद का नारा, दोस्तों जय हिंद का नारा किसने दिया, 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो ये नारा किसने दिया था, दोस्तों दिल्ली चलो ये नारा किसने दिया था, 25 नंबर प्रश्न, दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए वेदों की ओर लौटो, क्या है, वेदों की ओर लौटो, दोस्तों इस जो इस वीडियो के माध्यम से आपका एक नंबर एक प्रश्न एग्जाम्स के अंदर 100% पूछा जाएगा, तो दोस्तों एक नंबर यहाँ पक्का आप कर लीजिए, क्या कर लीजिए, एक नंबर आप यहाँ पर पक्का कर लीजिए। दोस्तों राइट आंसर क्या है, दयानंद सरस्वती, क्या है, दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, 27 नंबर प्रश्न, यस राइट आंसर भगत सिंह ने इनकलाब का नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आराम हराम है, देखिए आराम क्या है, आराम हराम, आराम हराम है, दोस्तों राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, यस जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। दोस्तों हमारा जो ये जो हमारा कोर्स है, अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप नंबर है, और दोस्तों यहाँ पर हमारा फुल कोर्स होगा, क्या होगा, फुल कोर्स आपको रहने वाला है 1499 के अंदर, और आप हमसे वार्तालाप भी कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल नीचे लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, नए अपडेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।